हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल होप ऑल आर डूइंग गुड सो हियर आई एम विथ येट अनदर डे इन माय लाइफ व्लॉग तो थर्सडे का दिन है सुबह सुबह का टाइम है तो लंच और लंच बॉक्स की प्रिपरेशन अभी मैं स्टार्ट करूँगी और अभी रोज़ बाहर जाना होता है तो so टाइम ऐसे भागता है कब सुबह होती है और कब रात समझ ही नहीं आता टाइम इज़ जस्ट रनिंग और अब तो मैं भी फ्राइडे का वेट करती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड है सो इट कैन बी रिटिल रिलैक्सिंग और रिलैक्स फ्रॉम द डेली रशिंग जो स्कीड्यूल है वो पहले भी रश होता था पर अभी मैं भी बाहर निकलती हूँ एक साथ चारों लोग घर से निकलते हैं ना तो इट्स क्वाइट रश Uh, पर अभी ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया है कितना जल्दी एक महीना हो गया एंड नाउ आई एम गेटिंग यूज टू दिस रूटीन और uh, ये एक अच्छा है कि स्कूल में आई एम वर्किंग सो बच्चों के जब छुट्टी होती है तब मुझे भी छुट्टी मिल जाती है ऐसे कुछ दिन होते हैं जहाँ पे मेरे बच्चों की शॉर्ट uh, डे होते हैं और वहाँ पे नहीं होता देन वहाँ पे ऐसे उस दिनों में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पर जो भी हॉलीडेज है जैसे कि मेमोरियल डे हुआ थैंक्सगिविंग का ब्रेक हुआ क्रिसमस ब्रेक हुआ या फिर समर ब्रेक हुआ तो जब बच्चे घर में रहेंगे तो मैं भी रहूँगी उनके साथ सो दैट इज़ द गुड थिंग वर्किंग इन स्कूल तो बस एंड एम जस्ट गेटिंग सेटल इन रूटीन और एक महीना ही स्कूल है जून uh, से फिर समर ब्रेक स्टार्ट होगा आई जॉइन इन अप्रैल तो अप्रैल और मई ऐसे दो महीने में काम करूँगी जून तो जून जुलाई तो छुट्टी है अगेन अगस्त में स्कूल रीओपन होगा सो इट विल बी अ न्यू स्टार्ट अगेन और बस लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आज लंच बॉक्स में मैं सेवई का उपमा बना रही हूँ उसके लिए थोड़े से वेजी जैसे कि ग्रीन पीस कॉर्न ये सब मैंने फ्रोज़न लिया है वॉश करके रखा है साथ ही साथ लंच में मैं कैप्सिकम राइस और सांभर बना रही हूँ और आज थर्सडे है तो थर्सडे को बच्चों का मिनिमम डे होता है तो वन फिफ्टीन तक छूट जाते हैं तो इसलिए थर्सडे को मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ और सिंपल सा सेवई उपमा बना रही हूँ तेल में मस्टर्ड सीड्स और उरद का दाल लिया है उसमें फिर हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा हींग और जो भी वेजीज़ है प्याज़ भून के फिर वेजीज़ अगर आप ऐड करना चाहो तो मैं इसमें कभी कभी वो एडमा में जो बीन्स है वो भी ऐड करती हूँ हेल्दी और बनाने के लिए कैरेट्स ग्रीन पीस कॉर्न आप ये सब वेजीज उसमें ऐड कर सकते हो बीन्स, ग्रीन बीन्स जो है वो हमेशा मैं जब भी उपमा या सेवई उपमा बनाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि आई ऐड मोस्ट ऑफ द वेजीज ताकि उसको और थोड़ा हेल्दी बना सकूँ तो बस वेजीज़ वगैरह डाल के थोड़ी देर सौटे करके मैंने सेवई डाला है ये रोस्टेड वरमी ली है और सेवई को थोड़ी देर भून के फिर पानी ऐड किया है पानी मैं डबल ऐड करती हूँ यानी एक कटोरी अगर सेवई है तो दो कटोरी पानी और बस पानी में ही नमक ऐड करके और इसे मैं पका लूँगी बस बच्चे रेडी हो गए थे तो उनको मैं अभी स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी और फिर जो भी लेफ्ट ओवर बर्तन थे किचन को सब क्लीन किया खाना पूरा बन गया था वो सब किया मैं भी रेडी हो गई थी फिर मैंने नाश्ता किया और मैं स्कूल के लिए निकली और बस अभी नाउ आई एम ऑन दी वे बैक होम तो अभी मैं आपसे मेलू हूँ स्कूल के बाद तो और आज थर्सडे है और थर्सडे को मैं ट्वेल्व थर्टी तक ही करती हूँ तो ओनली आई वर्क फॉर टू आवर्स ट्वेल्व थर्टी को मैं निकल जाती हूँ क्योंकि थर्सडे मिनिमम डे होता है और एक बजे बच्चों का स्कूल छूट जाता है सो so, पिक देख तो बस निकल गई हूँ चलते चलते जा रही हूँ घर पर और घर जा बैग रख के फिर स्कूल जाऊँगी बच्चों को पिक करूँगी और फिर आने के बाद हम एक साथ खाते हैं थर्जडेज़ को हम एक साथ ही लंच करते हैं आने के बाद बाकी के दिन मैं लंच करके फिर उनको पिक करने जाती हूँ और आज उनके स्कूल में ओपन हाउस भी है शाम को फाइव थर्टी टू सिक्स थर्टी तो वहाँ पे भी जाना है तो दोनों के क्लास में जाना पड़ेगा स्निग्धा और वन्या तो हाँ ऐसा कुछ है आज का दिन और आज का वेदर सनी भी है थोड़ा ठंडा भी है ग्लूमी भी है इट्स ऑल मिक्सड और वेदर ना एकदम फ्लक्चुएट है एक दिन ठंडा होता है एक दिन गर्म होता है सो इट्स सो हार्ड टू चूज़ क्लोथ्स अगर सुबह ठंडा होता है तो फुल पहनो तो दोपहर तो को आते वक्त कितनी गर्मी होती है और खाना मैंने बना दिया है इट्स रेडी क्योंकि शाम को भी स्कूल जाना है तो फिर वहाँ से आने के बाद बनाना मतलब लेट हो जाएगा तो पूरे दिन का कुकिंग इज़ डन तो वो एक अच्छा सिर्फ राइस बनाना है तो या फिर मैं जाने से पहले ही बना दूंगी ताकि आने के बाद कैन ईट और घर पहुंच के बैग रख के मैं वापस स्कूल जाती हूँ बच्चों को पिक करने तो स्कूल से बच्चों को ले आ गई हूँ और फिर अभी बच्चे फ्रेश होंगे फिर हम खाना खाएंगे एक साथ तो बस लंच हमारा हो गया था और अभी मैं टेबल वगैरह क्लीन कर दूँगी और तो दो टाइम का मैंने खाना बना दिया है जैसे मैंने कहा और आज स्कूल भी जाना है तो बस लंच वगैरह सेट कर दूंगी लंच बॉक्स उनके जो टिफ़िन बॉक्सेस है वाटर बॉटल्स है अच्छे से मैं वॉश करके रख दूंगी लंच बॉक्सेस में स्टैक करके नहीं रखती तुरंत ही मैं वॉश कर देती हूँ सिंक को एम रखने की कोशिश करती हूँ और उनको ड्राई करके ना टेबल पर से स्प्रेड कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जिस दिन मैं पूरे दिन का मतलब सुबह ही लंच में बना के जाती हूँ उस दिन शाम को आई फील सो रिलैक्स्ड कि वो मतलब टेंशन नहीं रहती कि अगेन रात को कुकिंग करनी है मोस्टली वीक में थ्री डेज में सुबह ही पूरे दिन का कुकिंग का बना के जाती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बनाती क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा टाइम रिलैक्स चाहिए होता है क्योंकि पूरा अगर लंच बनाना हो उसके साथ लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट तो बहुत सारा ना प्रिपरेशन एक साथ हो जाता है एक मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता तो दो दिन जस्ट टेक इट इज़ी तो मैं सिर्फ लंच बॉक्स बनाती हूँ लंच के लिए थोड़ा सा लाइट मैं बना के ही जाती हूँ क्योंकि स्कूल से आते ही आई एम हंग्री और बना के खाना मतलब इट विल बी लेट और फिर ऑलरेडी uh, थकी हुई रहती हूँ तो बना के खाओ तो इट डजेंट वर्क अगर कोई हो बना के खिला सके कभी कभी ऐसा लगता है काश कोई हो तो गरम-गरम मुझे खाना ना बना के दे सके एक्चुअली खाना गरम करने का भी टाइम नहीं होता मैं अराउंड टू फाइव टू टेन घर आती हूँ और फिर टू uh, थर्टी टू थर्टी टू को मैं निकलती हूँ सो आई हैव फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स टू जस्ट फिनिश माई फूड एंड देन गो एंड पिक देम और फिर लंच हो गया लंच बॉक्स वगैरह वॉश करने के बाद सोचा झाड़ू लगा देती हूँ सुबह टाइम नहीं रहता है तो मैं आने के बाद ही फिर झाड़ू लगाती हूँ और फिर बस उसके बाद चाय का टाइम हो जाएगा चाय बनाऊँगी और फिर हम स्कूल के लिए निकलेंगे और हम स्कूल पहुंच गए तो स्निग्धा ने कहा कि पहले हम उसका क्लासरूम देखें देखे तो पहले हम उसके क्लासरूम में जा रहे हैं स्निग्धा टीके में है यानी ट्रांजिशन किंडर गार्डन और ये उसका क्लासरूम है एंट्री वे में ही सारे बच्चों के ऐसे पिक्चर्स लगाए थे और उनमें ऐसे मास्क थे तो वही वो कह रही थी कि मास्क हटा के देखो और उसने ना आग बंद करके रखी थी फ़ोटो में उसका आग बंद है तो यहाँ के क्लासरूम्स ना काफ़ी ऐसे स्पेशियस और बड़े बड़े होते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ना कलरफुल और वाइब्रेंट होते हैं जैसे इंडिया में हमारे स्कूल में जब मैं स्कूल में थी तो ऐसे वॉल्स वगैरह हैं जो जो बिल्कुल ऐसे प्लेन होते हैं पर यहाँ बिल्कुल सारे ही वॉल्स कलरफुल होते हैं जो भी बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट्स पूरे साल में किए हैं अब तक वो सब ऐसे वॉल में डेकोरेट करके रखते हैं एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल तो स्निग्धा सब बता रही थी कि उसका डेस्क कौन सा है उसके पास में कौन बैठता है और क्या क्या उसने बनाया है और टीचर ने ना सब में ऐसे क्यू आर कोड्स बना के रखी थी तो स्कैन करोगे तो वी कैन लिसन टू द स्टूडेंट कि उन्होंने क्या कहा और ये उसके क्लासरूम का एक झलक है काफ़ी स्पेशियस होता है एंड दिस इज स्निग्धाज क्लास रूम और उसके कई सारे ना फ्रेंड्स भी थे तो शी वॉज सो हैप्पी और स्निग्धा का क्लासरूम देखने के बाद अभी हम आए हैं वन्या का क्लासरूम देखने तो वन्या अभी फोर्थ ग्रेड में है नेक्स्ट ईयर वो फिफ्थ ग्रेड में जाएगी तो डोर पे सारे ही बच्चों के ऐसे पिक्चर्स थे और क्लास में एंटर करते ही वॉल पे सारे उनके जो क्रिएटिविटी है आर्ट वगैरह है वो सब थे तो वही वन्या बता रही थी कि उसका कौन सा है तो जो भी उन्होंने किया है दे हैव बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो भी डी उन्होंने की है वो सारे वॉल पे ऐसे डिस्प्ले की है एंड देवर लुकिंग सो प्रिटी तो ये भी एक बड़ा ही काम है टीचर के लिए सो दिस इज़ हाउ देयर क्लास रूम लुक्स और ये कुछ एनिमल में उन्होंने कुछ स्टडी करके नोट्स वगैरह लिखी थी तो ये एक फ्रॉग है जो वन्या ने बनाया था सो इट वॉज़ क्वाइट गुड तो ऐसे ही उसको मैं कुछ मजाक में बोल रही थी और यस दिस इज देयर क्लास रूम और मुझे ना इंडिया में जो बच्चों का स्कूलिंग है उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है क्योंकि स्निग्धा तो यहीं पे बॉर्न हुई है और वन्या ने नर्सरी इंडिया में अटेंड किया है जहाँ पे मैं ही उसकी टीचर थी हैदराबाद में हम एक नर्सरी स्कूल में जाते थे जहाँ मैं और बन्या एक साथ जाते थे वहाँ पे मैं टीचिंग करती थी पर उसके बाद से प्री स्कूल से लेके अभी तक बच्चों ने यहीं पे यूएसए में ही पढ़ाई की है तो मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है कि इंडिया में आजकल ना स्कूलिंग का मतलब प्रोसेस कैसा है और बच्चों को भी नहीं है और ये वन्या का क्लासरूम है और बेंचेस सारे एक साथ नहीं होते हैं अलग अलग होते हैं और हर थोड़े दिनों में या फिर महीनों में ऐसे ना बच्चों को बच्चों के जो ग्रुप्स है पार्टनर्स है वो ऐसे चेंज करते हैं ताकि हर बच्चा हर किसी से अच्छे से मिंगल हो सोशलाइज हो इस वजह से तो बस ये उसका क्लासरूम रहा और ये जो उन्होंने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाए हैं तो वो ईयर एंड में सारे ही uh, उनके साथ वो भेजते हैं सो so, ये उसने एक पेंटिंग की थी वो आइसक्रीम का भी एक था वो भी काफ़ी प्रिटी था सारे ही बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया था और वॉल पे डिस्प्ले करने के बाद तो वो और भी ब्यूटीफुल लग रहे थे ये और एक उसका पेंटिंग है सो दिस इज़ हाउ द क्लासरूम लुक्स और ये बन्या का जो डेस्क है यहीं पे वो बैठती है वो है और इसमें जो भी उन्होंने नोट्स वगैरह लिखी है किसी किसी टॉपिक्स पे तो वो सब है और फिर उसके बाद फिफ्थ ग्रेड का भी क्लास हमने विज़िट किया उसके टीचर ने कहा कि अगर उसे देखना है तो वो देख सकती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो फिफ्थ में जाएगी तो तो फिफ्थ ग्रेड क्लास हमने विज़िट किया और फिर हम घर के लिए निकल गए और घर जाके फिर राइस मैंने बनाया नहीं था घर जाके राइस मैंने बनाया हमने डिनर किया एंड येस दिस वॉज द डे पूरा बिजी डे रहा और इसी के साथ आई एंड टूडेज़ वीडियो आजकल मैं एक ही वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ पहले मैं वीक में दो वीडियोस अपलोड करती थी ट्यूज़डेज एंड फ्राइडेज़ बट आई एम गेटिंग सो बिजी टाइम इतना ये रहता है बिजी रहता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आई गेट सो टायर्ड वीडियो एडिट करके रखती हूँ पर वॉइस ओवर करने का ना टाइम नहीं मिलता है और जो थोड़ा टाइम रहता है आई फील लाइक आई शुड रेस्ट सो आई एम टेकिंग इट इज़ी सो आई एम जस्ट पोस्टिंग वन वीडियोज एवरी फ्राइडे सो लेट्स सी हाउ इट गोज So I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.